नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टूर विथ ऋषभ में। दोस्तों अभी मैं हूँ मैहर में, मैहर सतना मध्य प्रदेश में। दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आपको माँ शारदा देवी के भव्य दर्शन कराए और अभी हम आपको आल्हा उदल का जो अखाड़ा है और जो आल्हा उदल तालाब है, मैं आपको इस वीडियो में पूरा घुमाने वाला हूँ। दोस्तों मैहर में जो भी खूबसूरत छटाएं हैं, मैं आपको इस वीडियो में घुमाने वाला हूं। तो चलिए मिलते हैं आगे। दोस्तों आपको सामने त्रिकूट पर्वत दिखाई दे रहा है और एकदम ऊंचाई पे माँ शारदा देवी विराजमान हैं। दोस्तों यह एक भव्य नज़ारा है यहाँ का, और यहाँ पे जो है ये जो गाड़ियाँ आपको दिखाई दे रही हैं उनकी पार्किंग के लिए यहाँ पे जो है व्यवस्था की गई है, और बगल से ही आल्हा उदल अखाड़े के लिए जाने का मार्ग। दोस्तों अगर हम आल्हा व उदल के जीवन के बारे में थोड़ा सा जानना चाहें तो दोस्तों आल्हा जो थे वे बनाफर कुल के यादव थे, यानी कि अहिर परिवार से थे। आल्हा के पिता का नाम दफराज था और माता का नाम देवला था, और आल्हा के छोटे भाई थे उदल, और उदल वीरता में अपने बड़े भाई यानी कि आल्हा से बढ़कर ही थे। आल्हा जो थे मध्य भारत में स्थित ऐतिहासिक बुंदेलखंड के सेनापति थे और अपनी वीरता के लिए विख्यात थे। दोस्त जगनेर के राजा जगनिक ने आल्हा खंड नामक एक काव्य रचा था, उसमें उन्होंने इन वीरों की 52 लड़ाइयों की गाथा वर्णित की है। दोस्तों जब उदल ने अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त कर गए, तो जैसे ही आल्हा को अपने छोटे भाई की वीरगत की खबर सुनाई दी तो वह अपना आपा खो बैठे और पृथ्वीराज चौहान की सेना पर मौत बनकर टूट पड़े। आल्हा के सामने जो आया मारा गया। एक घंटे के घनघोर युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान और आल्हा आमने सामने थे। दोनों में भीषण युद्ध हुआ और पृथ्वीराज चौहान बुरी तरह घायल हुए। आल्हा के गुरु गोरखनाथ ने कहने पर आल्हा ने पृथ्वीराज चौहान को जीवन दान दिया और बुंदेलखंड के महायोद्धा आल्हा ने नाथ पंथ स्वीकार कर लिया। तो दोस्तों चलिए आगे, मैं आपको और कुछ बताऊंगा और जो भी जानकारी है मैं आपके साथ साझा करूंगा, और यहां का जो खूबसूरत नज़ारा है वह आपको दिखाऊंगा। चलिए मिलते हैं आगे। दोस्तों अभी आप जो ये नज़ारा देख रहे हैं यह है आल्हा उदल अखाड़े का, यही मैदान है दोस्तों जहाँ पे आल्हा उदल जैसे दो पहलवान आपस में कुश्ती पहलवानी किया करते थे। देखिए यहाँ पे एक साधु बाबा विराजमान हैं जो कि 24 घंटा यहाँ पे रह के इस अखाड़े की, इस मैदान की जो है देखभाल करते हैं। दोस्तों काफ़ी पुरानी जगह, यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे मूर्तियाँ वगैरह रखी हुई हैं, कुछ खड़ाव वगैरह रखी हुई हैं। दोस्तों यह वही जगह है जहाँ पे हमारे भारत के दो शूरवीर जो है अखाड़ा किया करते थे। दोस्तों वीडियो में आपको जो भी ये दृश्य दिखाई दे रहा है यह पूरा जंगल ही जंगल है, और दोस्तों यहीं पे रहकर आल्हा उदल दो भाई आपस में अखाड़ा या कुश्ती लड़ा करते थे। पीछे जो आपको मंदिर दिखाई दे रहा है यहाँ पे आल्हा उदल का जो तलवार है यहीं पे रखा हुआ है। दोस्तों यहाँ के निजी लोगों का कहना है कि ज़मीन के अंदर एक पत्थर की दबी हुई तलवार नुमा संरचना थी, उसी को यहाँ के लोग आल्हा उदल की तलवार बताते हैं। दोस्तों अभी कोविड की वजह से मंदिर के अंदर प्रवेश वर्जित है,
इसी वजह से मैं आपको वह तलवार नहीं दिखा पा रहा हूँ। और बगल में ही तालाब है जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, तो चलिए मिलते हैं आगे। दोस्तों, अभी इस वक्त मैं हूँ आल्हा उदल से संबंधित तालाब पे, जहाँ पे सैकड़ों वर्ष पहले दो शूरवीर, दो योद्धा, दो पहलवान आल्हा और उदल इसी तालाब में स्नान करके माँ शारदा देवी की आराधना के लिए त्रिकूट पर्वत की ऊंची चोटी पर जाकर माँ की आराधना करते थे। दोस्तों, यहाँ की जो प्राचीनतम छटाएं हैं वह जो हैं बेहद ही खूबसूरत हैं। दोस्तों, यहाँ पे आके आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। अगर आप मैहर में आते हैं तो आप इस जगह पे ज़रूर आइए। यह तालाब दोस्तों काफ़ी पुराना है और काफ़ी शांत जगह दोस्तों।